गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं हमारा आज जो है हम जो देखने जा रहे हैं एक चित्र कथा है। हमने हमारे पांच पाठ देखे, आज हम जो है मुल्ला नसरुद्दीन जो नाम की चित्र कथा है वो आज हम देखने वाले हैं। देखिए, एक दिन बादशाह के दरबार में चीन से एक विद्वान आए। अब देखिए, हम जो है मुल्ला नसरुद्दीन चित्रकथा का है देखने वाले हैं। तो देखिए, देखिए वो जो विद्वान आए, उन्होंने कहा, महाराज क्या आपके दरबार में कोई मेरे तीन सवालों के जवाब दे सकता है? हाँ अवश्य पूछिए, आपके तीन सवाल क्या है? विद्वान ने अकड़कर पूछा, पूरे दरबार में सन्नाटा। देखिए विद्वान ने अकड़कर क्या पूछा है, तो देखिए यहाँ पर देखिए, महाराज क्या आपके दरबार में कोई मेरे तीन सवालों के जवाब दे सकता है? ये जो है विद्वान ने प्रश्न पूछा है। तो जो महाराज है उन्होंने कहा कि हाँ अवश्य पूछिए, आपके तीन सवाल क्या है, ये उन्होंने पूछा है। तो जो विद्वान है वो आकर बोल रहा है कि कौन से तीन प्रश्न है? देखिए, पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है, आकाश में कुल कितने तारे हैं, तथा मेरी दाढ़ी में कितने बाल है। ये जो है तीन प्रश्न जो है उन्होंने पूछे और कहा है कि ये प्रश्न के जवाब मुझे चाहिए, और ये अकड़ कर पूछा है। अब उसे पता है कि ये किसी को नहीं आएगा, इसलिए उसने जो है ये सवाल जो है अकड़ कर पूछे। तो आप आगे देखिए, पूरे दरबार में सन्नाटा छा जाता है, सब जो है नीची नजरें कर लेते हैं। अरे हुजूर, क्या मुझे यहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ेगा? नहीं नहीं रुकिए, हमें पूरा विश्वास है कि मुल्ला नसरुद्दीन आपके सवालों के जवाब अवश्य देंगे। अब देखिए, ये जो विद्वान है उन्होंने तीन प्रश्न पूछे कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है, आकाश में कुल कितने तारे हैं, तथा मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं। ऐसा ये जो है इन्होंने प्रश्न पूछे, और ये प्रश्न जब दरबारियों ने सुने तो सारे दरबार में क्या है, शांति छा गई है, सन्नाटा छा गया है, सब चुप हो गए हैं और अपनी नजरें सबने नीची कर ली है। और जो है महाराज ने कहा कि ये जो विद्वान है इन्होंने कहा कि यहाँ से मुझे क्या खाली हाथ जाना पड़ेगा, क्या मेरे कोई जवाब सवालों के नहीं दे पाएगा क्या? तो महाराज ने कहा है कि नहीं नहीं आप रुकिए, जो मुल्ला नसरुद्दीन है वो आपके सवाल के जवाब जरूर देंगे, ये मुझे भरोसा है। तो आगे देखिए, तभी मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर दरबार में आए। मुल्ला जी ये विद्वान सवालों के जवाब चाहते हैं। बादशाह ने मुल्ला जी से कहा कि ये जो है विद्वान आए हैं वो जो है कुछ सवालों के जवाब चाहते हैं। अब जो है ये मुल्ला नसरुद्दीन जो है वो अपने गधे पर बैठकर जो है दरबार में हाजिर हुए हैं। तो आप देखिए, उन्होंने पूछा, जी हाँ सलामत, जी हाँ जी बादशाह सलामत, आप निश्चित रहिए। इन्होंने क्या कहा कि बादशाह सलामत आप निश्चित हो जाइए, बेफिक्र हो जाइए, मैं इनके सवालों के जवाब दे दूंगा, ये जो है मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा है। आगे देखिए, मुल्ला नसरुद्दीन विद्वान से बोले, पूछिए आपका पहला सवाल क्या है? मेरा पहला प्रश्न है कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है? अब देखिए, मुल्ला जी ने जो है उन विद्वान से चीनी विद्वान से पूछा है कि आपका पहला सवाल क्या है। तो जो चीनी विद्वान है उन्होंने कहा है कि मेरा पहला प्रश्न ये है कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है। तो आगे देखिए, तो मुल्ला जी ने जो है उसका जवाब दिया है, मेरे गधे के पीछे वाले दाहिने पैर के नीचे। अब देखिए, मुल्ला जी जो है वो होशियार है। ये जो चीनी विद्वान है इन्होंने पूछा है कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है, तो मुल्ला जी ने जवाब दिया है कि मेरे गधे के पीछे वाले दाहिने पैर के नीचे जो है पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। अब ये विद्वान कह रहे हैं कि पर ये तुम कैसे कह सकते हो?
अब हनुमान कह रहे हैं कि तुम कह रहे हो कि आपके जो तुम्हारे गधे के पीछे वाले दाहिने पैर के नीचे जो है पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, ये तुम कैसे कह सकते हो, ये हनुमान ने पूछा है। तो ठीक है, आप गर्व मंगवाकर स्वयं ही पृथ्वी के दोनों सिरों सिरे नाप कर देखेंगे। अब देखिए, ये जब कहा कि तुम ये कैसे कह सकते हो, तो मुल्ला जी ने कहा है कि तुम क्या है, स्वयं ही जो है जहां पर मेरा गधा खड़ा है उसका जो पीछे वाला दाहिना पैर है उसके नीचे जो है तुम खोद कर जो है खुद ही उसे गिन कर जो है देख लो कि पृथ्वी का मध्य बिंदु जो है केंद्र बिंदु कहाँ है। तो विद्वान जो है चीनी विद्वान आप चुप बैठ गए। अब उन्होंने कहा है अच्छा अच्छा ठीक है, मेरा दूसरा सवाल का जवाब दीजिए। अब देखिए, ये विद्वान जो है इन्होंने दूसरा सवाल अब पूछा है, वो देखिए कौन सा सवाल है दूसरा। देखिए, आकाश में कुल कितने तारे हैं, आकाश में कुल कितने तारे हैं। अब देखिए, जितने रोए मेरे गधे के शरीर पर हैं, जब आपने अब देखिए मुल्ला नसरुद्दीन ने जवाब दिया है, विद्वान ने पूछा है कि आकाश में कुल कितने तारे हैं बताइए। तो मुल्ला जी ने कहा है कि जितने रोए मेरे गधे के शरीर पर है उतने जो है आकाश में तारे हैं, ये ऐसा जो है मुल्ला जी ने कहा है। अब देखिए, आपने गधे के रोए कब गिने, जब आपने आकाश के तारे गिने। तो देखिए, जो विद्वान है उन्होंने कहा है कि आपने जो है गधे के ऊपर जो रोए हैं वो कब गिने। तो मुल्ला जी ने उसके जवाब में दिया है कि जब आपने आकाश के पूरे तारे गिन लिए तभी मैंने जो है गधे के ऊपर के जो रोए हैं वो गिन लिए। अब विद्वान झेप कर बोले, अब देखिए उन्होंने अगला प्रश्न पूछा है, ठीक है मेरा तीसरा प्रश्न है कि मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं। अब देखिए, मुल्ला जी ने प्रश्न का जवाब दिया है, जितने बाल मेरे गधे की पूंछ में है उतने। देखिए, विद्वान ने पूछा है कि अब मेरा जो है तीसरा प्रश्न है कि मेरी दाढ़ी में कितने बाल है। तो मुल्ला जी ने कहा है कि जितने मेरे बाल मेरे गधे की पूंछ में है उतने ही बाल तुम्हारे क्या है दाढ़ी में है। अब इसका जो है विद्वान ने पूछा है, विद्वान ने चिढ़ गए, अब तीन सवाल का जो है टेढ़ा जवाब उन्हें मिला है। तो इस पर जो है विद्वान चिढ़ गए हैं चीनी विद्वान, और उन्होंने कहा कि पर इसका क्या प्रमाण है, इसका सबूत क्या है कि तुम कह रहे हो कि जितने मेरे दाढ़ी में बाल है उतने तुम्हारे गधे के पूंछ में है, इसका प्रमाण क्या है। तो उन्होंने कहा है मुल्ला जी ने, देख लीजिए न एक भी बाल कम होगा न ज्यादा। उन्होंने क्या कहा है कि तुम स्वयं ही उसे गिन लो और तुम्हारा जो है तुम्हें जवाब मिल जाएगा, आपके जो जितने दाढ़ी में बाल है उतने ही मेरे गधे के पूंछ में, ऐसा उन्होंने कहा है। विद्वान नसरुद्दीन के जवाबों से हक्के बक्के रह गए। नसरुद्दीन उनके पास आकर बोले, यदि प्रमाणित करना है तो मुझे आपके दाढ़ी से में से और गधे की पूंछ में से एक एक बार उखाड़ना होगा। अब देखिए, मुल्ला जी ने यह कहा कि अगर तुम्हें प्रमाण चाहिए कि आपके दाढ़ी के बाल और मेरे गधे की पूंछ के बाल बराबर है कि नहीं ये देखना है, तो मुझे क्या है, एक तो मेरे गधे के पूंछ के बाल उखाड़ना होंगे और तुम्हारे दाढ़ी के बाल भी उखाड़ना होंगे, तभी मैं गिन पाऊंगा। तो देखिए, जैसे ही मुल्ला नसरुद्दीन ने विद्वान की दाढ़ी की ओर हाथ बढ़ाया, विद्वान घबरा कर बोले, नहीं नहीं रहने दीजिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। अब देखिए, मुल्ला नसरुद्दीन ने जो है जैसे ही दाढ़ी की तरफ जो है विद्वान के हाथ बढ़ाया, तो उन्होंने वो जो है घबरा गए और उन्होंने जो है कहा है कि नहीं इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं जो है अपनी हार स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार से ये चित्रकथा थी, इसके अंदर आए हुए नए शब्द देखिए, हमारी चित्रकथा का नाम है मुल्ला नसरुद्दीन चित्रकथा, नए शब्द इसमें आए हुए, विद्वान विद्वान यानी शिक्षित पंडित, अकड़ना यानी इतराना, सन्नाटा यानी नीरव नीरवता चुप्पी। अगला शब्द देखिए केंद्र बिंदु यानी मध्यस्तर, सख्त पकाना यानी असमंजस में पड़ना, झेंक कर यानी संकोच करना।
इस प्रकार से ये हमने शब्द देखे, इसके आगे का बात हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है।